तो आपको स्क्रीन पे एनिमेशन दिख गया होगा। तो वैसा एनिमेशन बनाने के लिए आपको दो ऑप्शन ऐप की ज़रूरत है। तो पहला ऐप है पिक्सल लैब और दूसरा ऐप है काइन मास्टर। तो आपको पहले पिक्सल लैब में जाना है। पिक्सल लैब में जाने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। और प्लस वाला ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर उस पर क्लिक करना है और टेक्सेट पे जाना है और नया वाला टेक्सेट इधर आ जाएगा। तो आपको बस कुछ नहीं करना है। आप डिलीट के ऑप्शन के पास पेंसिल का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करो और पेंसिल के ऑप्शन पे भी क्लिक करो और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको अपने चैनल का नाम लिखना है। तो मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ, तो ओके कर लेना है। ओके करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको ए वाले ऑप्शन पे जाना है और साइज पे जाना है। साइज पे जाने के बाद आपको डन कर लेना है और जाना है फंड पे। आप फंड सिलेक्ट करना है, फंड सेलेक्ट करने के बाद आपका ऐसा इंटरफेस आएगा और आगे जाना है और स्ट्रोक पे जाना है। स्ट्रोक पे जाने के बाद इनेबल कर लेना है और कॉलर पे जाना है। आपको रेड वाला कलर ऑप्शन चूज करना है और डन कर लेना है और आगे जाना है। या आपको प्रेस एक्टिव दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है और डन करना है और डन कर लेना है। और आपको यहाँ पे बाजू वाले ऑप्शन में जाना है लेयर पे और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करना है। ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करने के बाद आपको सेव कर लेना है, आपको इमेज पे सेव करना है और सेव टू गैलरी। और अभी जाना है काइन मास्टर में। काइन मास्टर में जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है मीडिया। मीडिया में जाने के बाद बैकग्राउंड, बैकग्राउंड आपको वाइट वाला बैकग्राउंड चूज़ करना है और या फिर सिलेक्ट करना है और लेयर पे जाना है और मीडिया पे जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपको वो ऑप्शन किया होगा अपने अपने चैनल का, उस पर क्लिक करना है और डन करना है और मैंने आपको बैकग्राउंड इफेक्ट डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो इफेक्ट डाउनलोड कीजिए। मैंने डाउनलोड करके रखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिखा है, उस पर डाउनलोड कीजिए। मैं अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऐसा बढ़ा लेने का और डन कर लेने का और स्मोक में जाने का और नीचे जाने का। आपको दिखाई देगा ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग में जाने का और हार्ड लाइट पे क्लिक करना है और डन कर लेना है। तो अभी सही से कर लेंगे।
साइड राइट पे क्लिक करना है, कुछ नहीं करना है। और आपको यहाँ पे और आपको A9 डन कर लेना है। और यहाँ पे क्लिक करना है और एनिमेशन पे क्लिक करना है और नीचे आना है वो वाइप राइट। आपको बस कुछ नहीं करना, 1.5 पे करना है, 1.5 पे, और डन कर लेना है। और देखिए देखिए कैसा हो गया है, तो एकदम अच्छा हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।